जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टिकटों के दावेदार सामने भी आ रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में मारे गए भारतीय सरबजीत सिंह की बहन गलबीर कौर इस बार लोकसभा चुनावों में अपनी दावेदारी की तैयारी कर रही है। दलबीर कौर 2016 में भाजपा में शामिल हुई थी। सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने सिरसा से भाजपा से अपने टिकट की दावेदारी पेश की है। दलबीर कौर का कहना है कि एक तो सिख भाईचारे के लोगों की वजह से मैंने अपने टिकट की दावेदारी पेश की। दलबीर कौर का कहना है कि मैं नहीं चाहती, लेकिन सिरसा के लोग ही चाहते हैं कि मैं भाजपा की ओर से सिरसा से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लूं, और पिछले 2 साल से मैं सिरसा के लोगों के साथ हूं और उनके साथ काम कर रही हूं। हाँ नहीं, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन सिरसा में मैं 2 साल से लगातार वहाँ पर भाई बहनों के साथ, लोगों के साथ संपर्क में हूँ। बहुत सारी संस्थाएँ हैं, शहीद भगत सिंह की एक ब्रिगेड वहाँ पर बनी है, वो भी मेरे साथ संपर्क में है। 50 के करीब जो सरपंच हैं वे भी हैं, वहाँ की NGOs भी हैं, और आम लोगों का भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। वहाँ पर पंजाबी जो वोट है वो 65% है, और आज तक हमारी गोत्र का भी एक वहाँ पर मुझे लाभ मिलता है, वो भी उन लोगों की भी मांग है। तो इसलिए सब ने बोला, तो उनके कहने पर मैं रजामंद हुई, और मुझे 2 साल से सिरसा के बहुत सारे लोग भाई बहनों का यही मांग थी, मेरे साथ यही कहना था कि आप हमारे हलके में आएँ। तो यदि इस तरह की पार्टी कोई टिकट देती है या कोई सेवा मेरे हिस्से में आती है, मुझे जिम्मेदारी देती है, तो फिर तो मुझे निभानी पड़ेगी, मैं निभाऊंगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि अभी मैं नहीं बताना चाहूंगी, जो कि ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, और जिस पर अभी तक 70 सालों से जितनी भी सरकारें आईं, कभी किसी का उन मुद्दों पर ध्यान नहीं गया जो कि मैं लेकर सामने आना चाहती हूं, जो मेरे दिल में दबे हुए हैं, और उनका अगर उन मुद्दों पर अगर अमल किया जाता है तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी एक जीत होगी सरकार की, जीत होगी पार्टी की, और उसका बहुत ज़्यादा हमें लाभ भी होगा। क्योंकि मैं अभी तक जितने भी ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं उन सबको मैंने बटोर कर इकट्ठा किया है, जो कि मैं पार्टी को बताना चाहूँगी। हाँ, कुछ लोगों ने मेरी हिम्मत की दाद दी है कि मैं जो है एक अच्छी फाइट कर सकती हूँ, अपनी बात को अच्छे ढंग से रख सकती हूँ, एक मैं अच्छी प्रवक्ता के तौर पर भी जो है आ सकती हूँ, एक मैं दृढ़ संकल्प को लेकर भी चल सकती हूँ। इन सब बातों को लेकर जो है भाई बहनों के अंदर एक नई उम्मीद और नई आस है। 64 साल की दलबीर कौर ने अपने भाई की रिहाई के लिए पाकिस्तान तक जाकर लंबी लड़ाई लड़ी है। दलबीर कौर के भाई सरबजीत को 1990 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए कई बम विस्फोटों के कथित रूप से संलिप्त होने के लिए मौत की सजा दी गई थी। इसके बाद से ही दलबीर कौर लगातार अपने भाई के लिए न्याय की गुहार लगाती नजर आती थी। इसी दौरान मौत की सजा पाए 2 कैदियों आमिर सरफराज उर्फ तांबा और मुदस्सर ने लाहौर की कोर्ट में लखपत जेल में मई 2013 में सरबजीत पर हमला कर उसकी जान ले ली थी। अब इसी जज्बे के साथ अब वो लोकसभा चुनावों में उतरने वाली है। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी कौर को टिकट देने पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।